सैमसंग गैलेक्सी A51 और A71 कब लॉन्च हो रहे हैं? ये क्वेश्चन जो है गाइस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब यार कब से हम इंतजार में लगे हैं कि भाई ये दोनों फोन आ जाएं, और हम इन दोनों फोन का इंतजार पर हैं, बट डिले पर डिले, डिले पर डिले। और आप फाइनली बात करेंगे इन दोनों फोन के कंफर्म लॉन्च डेट के बारे में, तो पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, जल्दी वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, और आज का वीडियो स्टार्ट कर। ये दोनों फोन जो है भाई इतना इंतजार तो हम लोग से करा लिया है, बट यार देखिए प्राइस ना सैमसंग जो है वो हाई रख देता है, दैट्स वाई ना हमने फोन को बाय नहीं। मतलब बहुत लोग बाय करते हैं, बिकता भी अच्छा है, बट क्या बताएं। तो चलिए कि भाई बात कर लेते हैं इस फोन के हम कुछ प्राइस के बारे में। सबसे पहले प्राइस बात करें, देन लास्ट में आपको लॉन्च डेट बताऊंगा, यार मतलब ना थोड़ा सस्पेंस बनना चाहिए। तो प्राइस की बात करता हूँ, तो इस फोन की जो प्राइस है A51 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आएगा आपको अराउंड 20 सॉरी 23,000 रुपये। हाँ 23,000 रुपये, नहीं हाँ 23-22,000 रुपये करीब निकल के आया था इसका कंफर्म प्राइस बेस वेरिएंट। मुझे जब भी प्राइस बहुत हाई लगा, कहीं से भी वेल इनफ नहीं लगा। इसकी प्राइस की एक्सपेक्टेशन गई ज़्यादा थी, बट इस फोन की जो प्राइस की एक्सपेक्टेशन मैंने की थी वो तो भाई अराउंड 20-25 में चले गया था, बट चलिए उसी के बीच में ही आई। मगर मुझे लगता था यार कि यार थोड़ा और कम हो, क्योंकि यार इतना महंगा प्राइस मुझे बहुत हाई लगता है यार ये प्राइस। और कहीं से भी मतलब आप बोल सकते हैं कि अप टू द मार्क नहीं है ये प्राइस, मुझे यूँ लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों के थॉट्स हैं इसके ऊपर, बट हाँ प्राइस बहुत हाई है A51 एंड A71 का। तो इस फोन का ये प्राइस है, A71 बात करो, A71 के बारे में बात करता हूँ, तो अराउंड 30,000 रुपये कुछ करीब प्राइस उसका रखा गया है। बाहर की बात कर रहा हूँ, तो यार देखिए 30,000 और 23,000 में क्या मतलब कुछ मुझे कोई वो नहीं लगा। तो मुझे लग चाहिए कि A71 अराउंड आए 25, A51 आए अराउंड 15, तो बट वो कभी नहीं होगा। तो बस यही थी, बात कर लेते हैं फाइनली इन दोनों फ़ोन के बारे में कुछ। तो देखिए अच्छे फ़ोन आने वाले हैं, और A51 तो हमने इतनी बात कर ही चुकी है इस फ़ोन के ऊपर अराउंड। मगर A50 भी अच्छा चला था, A50S भी अच्छा चला, अभी A51 आ रहा है ये भी चलेगा। भाई सैमसंग की ब्रांडिंग है, सैमसंग UI है तो चलना ही है। तो वहीं बात करते हैं A71 के बारे में, सॉरी A51 के लॉन्च डेट के बारे में। तो ये जो है वो जनवरी के एंड एंड में मिल जाएगा आप लोगों को इंडिया के अंदर। तो आप लोग जो भी A51 की मतलब जो A51 के वेट कर रहे थे, वो आपको इस जनवरी के एंडी में आपको ये मिल जाने वाला है। जो A71 का वेट कर रहे हैं उनको बता दूं कि फरवरी के बीच में, हाँ फरवरी है, मिड ऑफ फरवरी में आपको A71 में मिल जाने वाला है। पहले बात हुई थी 7 फरवरी की, मगर नहीं उसे डिले कर दिया है, क्या है पता नहीं डिले क्यों किया। पहले हम सोच रहे थे दिसंबर में मिलेगा, पर साल गया फिर जनवरी तरफ फरवरी। तो इंतज़ार आपको करना है, इंतज़ार की घड़ी आप लोग देखते हैं। तो A51 एंड A71 मेरे हिसाब से लेना है आप ले सकते हैं, बट पर्सनली ना यार ओवर प्राइस बहुत है दोनों में। भाई ये प्राइस को एकदम ठूस के डाला हुआ है प्राइस, मुझे बिल्कुल भी इतना यार मतलब A50 ठीक है, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि A50 और A51 A71 का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो यार ये मत समझिएगा कि मतलब सैमसंग की मैं नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि सैमसंग भाई प्राइस ज़्यादा ले रहा है, मगर सैमसंग की वो आफ्टर सेल सर्विस भी होती है, आफ्टर मतलब सैमसंग की वो ब्रांडिंग भी होती है। आप फ़ोन जाके बाद में बेचोगे तो अच्छा प्राइस मिलेगा, तो सैमसंग ये अलग बात है, मगर रियलमी उससे बेटर काम कर रहा है, रेडमी उससे बेटर काम कर रहा है, कम प्राइस में दे रहा है, हम उसे बाद में बेचने भी जाते हैं, अच्छा मिलता है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी कर दी रेडमी ने, रियलमी की तो है ही। तो यार ये सब भी बातें जो देखनी होती हैं, तो बस मैं इसलिए सैमसंग को करता हूँ, वरना सैमसंग सही प्राइस रखने लग जाए तो भाई सैमसंग तो इन सबको बीट करके आगे चले जाए। तो बस गाइज मुझे इतना ही कहना था, और फाइनली तो मैंने लॉन्च डेट तो आप लोग बता ही दी है, तो आपने मुझे कमेंट करो तो आप लोग क्या लगता है मेरे थॉट्स के ऊपर, लाइक करना और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, अभी तक आपने नहीं किया होगा तो कर ही लेना, नहीं किया हो तो। एंड मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।